ओम नमः शिवाय। शिव तंत्र ज्योतिष में आपका स्वागत है। ज्योतिष एवं वैद्य सम्राट स्वर्गीय दरबारी लाल शर्मा जी के 5वीं पीढ़ी के तंत्राचार शास्त्री लोकेश पागल। जी हाँ, शिव तंत्र ज्योतिष फाउंडेशन आपका है, आपका था और आपका ही रहेगा। आप मेरा परिवार हैं, मैं आपके परिवार का एक सदस्य। तो आज मैं लेके आया हूँ आपको ब्रह्मांड का पहला ऐसा तंत्र जो सुन भी पहली बार रहे होंगे और प्रैक्टिकल भी पहली बार करेंगे। हवा तंत्र, यानी इस ब्रह्मांड की हवा में, वायु में छुपा है आपका नसीब, आपके दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब और आपका प्यार। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीडियो और लेते रहिए लाभ। जिसका आपको इंतज़ार था, आप परेशान थे, वो अब आपको मिल चुका है। तो करना क्या है, प्रोसेस सब हमारे वही हैं स्कैनिंग कराने का और जो सिलसिला चल रहा है। और आज एक ऐसा ये विलक्षण तंत्र देता हूँ जो मुझे साउंड मिला, उसको फॉलो कर रहा हूँ। जो भगवान शंकर ने तंत्र कहा था अपने मुख से, उसको अपडेट करके न्यू वर्जन में आपको मिल रहा है। देखिए, आप फिल्म इंडस्ट्री से या मीडिया से या पॉलिटिकल से जुड़े हुए हैं, पब्लिसिटी से, और आप चाहते हैं सूर्य जैसा प्रकाश अपने अंदर, और उसी क्षेत्र में जाना और वहीं धमाकेदार एंट्री करना। देखा है, एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड में इतनी तपन, इतनी अपनी गर्मी और इतनी चमक देता है कि आप नजरें नहीं मिला पाते। तो क्या आप बनना चाहते हैं ऐसा? हाँ, बनेंगे आप ऐसा। चंद्रमा इतना कूल डाउन, इतना शीतलता है, इतना अच्छा लगता है, तो क्या चंद्रमा जैसा चाहेंगे अपना प्यार? जी हाँ। और अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, बिना कुछ किए अपने घर से कैसे हवा में उड़ाते हैं उसके छक्के। तो आइए, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मेरा वीडियो शिव तंत्र ज्योतिष इंडिया। करना ये है, आप पॉलिटिकल मीडिया या नेटवर्किंग या किसी भी व्यवसाय से या फिल्म इंडस्ट्री से, अर्थात चकाचौंध कर देने वाली दुनिया में एंट्री करना चाहते हैं, तो करना ये है, सुबह उगते हुए सूरज की तरफ खड़े हो जाइए, मुंह करके, नहा धो करके, और हवा में अपना नाम लिखिए, अपना काम लिखिए उंगली से, इस उंगली से, इंडेक्स फिंगर से, और अच्छा रहेगा अनामिका से रिंग फिंगर से लिखें। इससे सारी प्रॉब्लम लिख के और फूंक मार दीजिए सूर्य की तरफ, कहिए सूर्यदेव महाराज, जैसे स्वीकार करिए और कर दीजिए चमत्कार अपने जैसा चमकती हुई जिंदगी के लिए। देखिए कैसे होता है, आपने सोचा भी नहीं होगा क्या इसका रिएक्शन और एक्शन आपकी लाइफ में आपके साथ घटित होने लगेगा। लेकिन हाँ, किसी भी उपाय को 41 डेज करना है तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, फर्क 7 दिन के अंदर हो जाएगा। चाहते हैं अपना प्यार कि आपके गले लगे, आपके कदमों में आए और आपको कभी ना भूल पाए, तो ऐसा ही होगा। किसी भी पूनम की रात को 3 पूर्णिमा करना है, ठीक है। अब जैसे मैंने ये अभी सूर्य के लिए बताया, तो 41 डेज बहुत लंबा समय होता है, इसे छोड़ दीजिएगा। हर संडे टू संडे करना, महीने में 4 बार ही करना है। प्लस पॉइंट ये है आपके लिए, ये अल्टरनेट नहीं है, डेफिनेटली है। डेली नहीं करना है, हर संडे टू संडे, हर संडे को सुबह करना है ये सूर्य के लिए, जो मैंने अभी बोला था। अब प्यार के लिए बात चल रही है, चंद्रमा यानी पूर्णिमा, 3 पूर्णिमा को करना है। चांदनी रात में पूर्णिमा को खड़े हो जाइए, चंद्रमा को देखिए और अपना नाम लिखिए उंगली से, इसी से लिख सकते हैं, इंडेक्स फिंगर से, अपना नाम प्लस का चिन्ह लगाइए या स्वास्तिक बना सकते हैं नीचे अपने प्यार का नाम, और गोल घेरा खींच दीजिए, उसके अंदर नाम आ जाए, फूंक मार दीजिए, कहिए चंद्र देवता आप अपनी एनर्जी दे दीजिए, ऐसी शीतलता निर्मल मेरा प्यार हो जाए, मुझे मिल जाए, आपका प्यार आपको मिल गया है, मुझे फ़ोन करिए। और आप करते समय यही सोचेंगे प्रत्येक कार्य को, चाहे सूर्य का हो या चंद्रमा का, कि आपका कार्य हो चुका है। यानी सूर्य के लिए लिखेंगे तब भी आप ये सोचेंगे आप हो चुके हैं, प्यार के लिए चंद्रमा को लिख रहे हैं पूर्णिमा को, तो भी आप बोलेंगे कि मुझे मेरा प्यार मिल ही चुका है, बस कृपा की देरी है। यही करना है, अब देना है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब, पैरों से मसलना है, उसकी आवाज़ भी ना निकले, इस कदर में उसको तड़फाना है। तो न सूर्य की बारी होगी न चंद्रमा की, संध्या समय जब सूर्य अस्त होता है, शाम का समय, न चंद्रमा होता न सूर्य होता, तो अपनी छत पे या बालकोनी में कहीं भी खड़े हो जाइए, एकांत में आसमान दिखाई देता हो, और वहाँ हवा में ही उस दुश्मन का नाम लिखिए और
चाकू से लिखना है, लोहे के चाकू की नोक से दुश्मन का नाम लिखना है और उसको ऐसे क्रॉस कट कर दीजिए जितनी बार कर सकते हैं, और मन में भाव रखिए कि अब ये खत्म हो रहा है, इसको बहुत सारे कष्ट मिल रहे हैं, अब ये मरेगा या इसको दंड मिलेगा, जो भी आप चाहते हैं। फूंक मार दीजिए, अपने पितरों का ध्यान करिए कि जाइए इसको रिजल्ट दे दीजिए, बहुत जल्द सूचना मिल जाएगी कि आपका दुश्मन पछड़ चुका है, आप सुखमय रास्ते पर जा चुके हैं। तो ये था मेरा हवा का तंत्र, अभी अभी साउंड मिला, अभी अभी वीडियो लोड किया, मैं आपके साथ आपका दोस्त आपका मित्र शास्त्री लोकेश।